इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने SBI बैंक के ATM को निशाना बनाते हुए ATM मशीन को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन बदमाश उसमें सफल नहीं हो पाए और खाली हाथ लौट गए। पुलिस ATM के सुरक्षा गार्ड को हिरासत में लेते हुए पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। कनाड़िया गांव के मेन रोड स्थित SBI ब्रांच के बाहर बने ATM में रात 2 बजे के बाद उस समय अज्ञात बदमाशों ने ATM को लूटने का प्रयास किया जब वहां चौकीदार और आसपास निवासी मौजूद नहीं थे। उस समय बदमाशों ने मशीन के साथ तोड़फोड़ करी और राशि लूटने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वह नाकाम हुए और वहां से भाग निकले। जब सुबह बैंक कर्मचारियों ने ATM मशीन को टूटी फूटी देखी तो पुलिस को तुरंत घटना की सूचना दी। वहीं बताया जा रहा है कि ATM में 20 लाख लगभग की राशि रखी थी। हो सकता है बदमाशों को इसके बारे में जानकारी हो। पुलिस फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। एक्चुअल में कनाड़िया गाँव के पास में SBI बैंक में ATM लगा हुआ है और वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो उस रात को नहीं आया था और उस रात को किसी ने ATM से छेड़छाड़ करके उसको तोड़फोड़ करने का प्रयास किया था। इस संबंध में बैंक मैनेजर ने रिपोर्ट लिखाई थी और उस पर से प्रकरण दर्ज करके जांच की जा रही है। उसके फुटेज वगैरह निकाल के आरोपी को पकड़ा।